बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब जी, ये क्या मामला हुआ है? खबरें आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो ये खारदार झाड़ियां उगी हुई थी उनको तलब करना शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, इतना छोटा बहुत ही मुख्तसर उसी इंट्रो आज आपने दिया है और अच्छी बात है। इसमें शरारत बहुत बड़ी है, शरारत बहुत बड़ी है। इसमें थोड़ी सी वैरायटी भी आनी चाहिए कि हम एक एक मिनट, डेढ़ डेढ़ मिनट, दो दो मिनट का इंट्रो देते हैं तो अब मुख्तसर भी होना चाहिए। अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर घूमाता हूँ, वीडियो करें, टेस्ट चेंज हो जाता है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा, बात आपने बड़ी जबरदस्त की है और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून जनरल जिलानी, जनरल जिया साहब की जो है वो रहमतों बरकतों और उनकी क्या कहते हैं उसको, वो उनके तुफैल बनी थी, वजूद में आई थी। फिर आप पीपल्स पार्टी देख लें तो जनरल अयूब खान, उन्होंने पहले पौधा लगाया, पहले बीज को ट्राई किया, कैबिनेट में। फिर अस्करी जुराबे निचोड़ के उन्होंने वो बूट नुमा गमले में जुल्फकार भुट्टो साहब को हुकूमत का तजर्बा दिया, वजारतों का तजर्बा दिया। फिर याहिया साहब आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान तोड़ने वाला कारनामा, अल्लाह माफ करे कि वो क्या आप उसको कहें, वो रूनमा किया। फिर भुट्टो साहब की जो है वो इमेज बिल्डिंग हुई और उसके बाद वो एक रहनुमा के तौर पे उन्होंने पीपल्स पार्टी लॉन्च की और फिर वो फौज के ही हाथों जो है ना वो तलफ हो गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो पाकिस्तान तोड़ने जैसे एक नापाक साजिश का, मंसूबे का वो हिस्सा थे। बहरहाल अब वो पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है, मुस्लिम लीग नून भी इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है, और मौजूदा हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर हम इनको देखें तो अब बज़ाहिर यूं नज़र आता है कि एस्टेब्लिशमेंट इन दोनों सियासी जमातों को तलफ करने का फैसला कर चुकी है। अच्छा, और तलफ इस तरीके से नहीं किया जा रहा कि तमाम जो रहनुमा हैं उनको पकड़ के खुदा न खास्ता कहीं मुकदमात बना के फांसियाँ चढ़ा दें या उनकी सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दें, नहीं। ये सियासी जमातें आवाम की नज़र में तलफ की जा रही हैं, अंदर से इनको जो है ना वो चाकू छुरियाँ ये एक दूसरे को मार रहे हैं और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे हालिया दिनों में आप देख लें, इरफान सिद्दीकी साहब का बयानात, जावेद लतीफ़ के बयानात, राना सनाउल्लाह के बयानात, ख्वाजा साद रफीक के बयानात, ख्वाजा आसिफ के बयानात, आसिफ किरमानी के बयानात, जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के पिछले दो साल के बयानात उठा के देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयानात उठा के देख लें, मोहम्मद जुबैर के बयानात उठा के देख लें, ये सारे वो बयानात हैं जो बराह रास्त मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर शरीफ खानदान की जो एक बादशाहत है इस सियासी जमात के ऊपर उसको हिट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर साहब ने जनरल बाजवा के साथ हुई डीलों का तज़किरा किया, जिस तरीके से उन्होंने जावेद चौधरी को कॉलम में तमाम तर तफसीलात बताई, उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया कि 2020 में जनरल बाजवा के साथ मुलाकात करके हमने उनसे इजाज़त ली कि हम आप पर तनकीद करना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं, हमें पीडीएम बनाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा अच्छा बना लो, वो पीडीएम बन गए, जाओ मौज करो। फिर कहा कि आपके खिलाफ जनाब वो तकरीरें करनी है, फैसला गुजरा वाला जलसा हुआ, तकरीरें करनी है, तकरीर करने के लिए भी इजाज़त वहीं से ली गई और फिर एक बार इजाज़त दे दी गई। तो मुझे बताएं कि जो इस लेवल तक फौज के नीचे लगे हुए थे, तो अब देखे ना कि वो ऐसा ऐसा जब वो हकायक सारे कौम के सामने आ रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून के बारे में परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन क्या बन रही है कि यार ये तो एक सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करने के लिए भी ये उनसे इजाज़त लेके, जनरल फैज के ऊपर तनकीद करनी है, वो दोनों उस मुलाकात में बैठे और उनसे इजाज़त लेके, उस वक्त जनरल फैज DGISI थे, तो उनसे लेके ये सारा कुछ कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें जिसका बराह रास्त नुकसान बतौर सियासी जमात मुस्लिम लीग नून को आवाम की नज़र में पहुँचना था, वो सारे बयानात इन तमाम सियासी रहनुमाओं ने दिए जिनका मैंने जिक्र किया। फिर उससे एक और चीज हुई, जो हालिया सेनेट इंतखाबात हों या जो मौजूदा आम इंतखाबात हैं उसमें देखें, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया और उन्होंने विक्ट्री स्पीच की, 60 सीटों की उस वक्त वो जीते थे, सिर्फ जीते नहीं थे, जितवाई गई थी, वो एक ही बात है, दो बातें। अच्छा चलें जी, ठीक है, जीती होती हैं जो आवाम ने वोट दिया, जितवाई वो होती हैं जो पिंडी से मिलती हैं। अब वो खिलाई मखलूक, रात को 4 बजे के बाद उठ के फोन करके उठाया गया, लोग जो तुसी जीत गए हो। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जिस तरह कौमी असम्बली का हिस्सा बने, अच्छा अलमिया उसमें भी देखें कि नवाज शरीफ साहब 2 से 3 बार उन्होंने वोट डाला, एक तो उन्होंने आम इंतखाबात में वोट दिया, वो अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दे सके, वो कौमी असम्बली में आए, ओम चौधरी को वोट देना पड़ा, फिर वो यहाँ पर देखें कि कौमी असम्बली में आए तो यहाँ पर भी उनको आसिफ जरदारी साहब को सदर के लिए वोट देना पड़ा,
तो ये वो चीजें हैं जिससे नवाज शरीफ साहब की जो इमेज बिल्डिंग है, नवाज शरीफ साहब की जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, उसको डैमेज किया गया। और फिर सबसे बढ़ के देखें कि जब मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाने का मामला आया तो पंजाब के अंदर से इनको बनवाया गया, और देखें कि वो आजाद हैसियत में थे। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में बाद में मंजर आम पे खबरें की आई, पता चला कि मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ के मतहत काम नहीं करेंगे बल्कि वो उनके बराबर काम करेंगे। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब जिनके रिश्तेदार हैं, जिनके वो करीब हैं, वो हम सबको पता है। तो नून लीग के तो आगे से उन्होंने चूच रहा भी नहीं की। फिर आप राणा सनाउल्ला साहब के इंटरव्यू उठा के देखे जिन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब चाहें तो वो वजीर आजम भी बन सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। हमने रोकना भी नहीं। तो ये चीजें देखे कि नून लीग की जो पब्लिक परसेप्शन है एज पॉलिटिकल पार्टी वो कितनी ज्यादा डैमेज हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि मगरिब में आप चले जाए ना तो वहां पर सियासी जमातें बाकायदा सर्वे करवाती हैं, वहां पर बाकायदा जो यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्चर्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट्स, उनको उनकी खिदमात हायर की जाती है, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आप बताएं कि हमें जहाँ पर हमारा जैसे मूली कहती है कि हम लाहौर के अंदर गुजरांवाला कसूर ये हमारे किले थे जहाँ नून लीग इतनी मजबूत थी। इवन के रावलपिंडी देखें कि यहाँ रावलपिंडी से भी सारी नून लीग के लोग जीते थे। पीटीआई ने यहाँ भी बहुत ज्यादा सीटें जीती हैं। मैं ये क्लीन स्वीप था पीटीआई, रावलपिंडी का बयान भूल गया। जी बिल्कुल, पिछले में भी इसी तरह ही तकरीबन हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर उनका वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो किला करार देते थे, वहां से नून लीग की वो लाहौर ही है, तो वो वहां पर भी किला गिरा दिया गया, फतह हो चुका है। जी वो रिसर्च नहीं करवाई गई। हमारे यहाँ चूंकि रिसर्च करवाने का कल्चर ही नहीं है ना, उसके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी। और वो इमरान खान साहब ने वैसे कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, कोशिश भी नहीं। सबसे ज्यादा मजे का तबसरा उनकी पुलिस यूनिफॉर्म पे आया था। क्या आईजी की वर्दी सिपाही की और बूट नीचे फौजी पहने हुए हैं। तो देखे ना कि वो वैसे भी इमरान खान साहब कहते थे कि मरियम मेरी बारहवीं खिलाड़ी है। और जितना मेरे ख्याल में फायदा इमरान खान को सियासी तौर पे मरियम ने पहुंचाया, शायद किसी और ने नहीं पहुंचाया। और उतना ही डैमेज उन्होंने अपनी सियासी जमात को किया। आज मुस्लिम लीग नून में जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा पार्टी से अलग हुए, जिनके मैंने नाम भी गिनवाए, वो क्यों ये सब कुछ बातें करने पर वो इस हद तक आ चुके हैं कि वो इमरान नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो पार्टी पॉलिसी पे खुल के बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये सब लोग मरियम की मौजूदा सियासी हिकमत अमली के खिलाफ हैं। ये जानते हैं कि ये खातून जो है वो पूरी पार्टी का सत्यानाश कर रही है। और ऐसा ऐसा वो मामला जो मैंने जिनकी निशानदेही की कि आपने वो काम कर दिए कि अब देखे ना कि आप कहते हैं कि हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाना, और यार आप मोहसिन नकवी साहब को वोट दे चुके हैं, दूसरी जानेब आप पीपल्स पार्टी को देख लें तो पीपल्स पार्टी की, अच्छा मुस्लिम लीग नून को तो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, ये बात ऑन द रिकॉर्ड चीजें जैसे कि हमने कही। पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हो रहा है, मिसाल उसकी आप देख लें फैसल वावडा के साथ जो कुछ हुआ, और जैसे फैसल वावडा को सेनेटर मुंतखब सिंध से करवाया गया, उसके ऊपर आप जब वो मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम चल रहा था ना तो उन्होंने सवाल किया मौला बख्श चांडियो साहब से। वैसे तो मौला बख्श चांडियो साहब भी पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। उनसे सवाल हुआ कि बताएं अगर जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिंदा होते या बेनजीर भुट्टो भी जिंदा होती तो ये होता, तो क्या फैसल वावडा पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर मुंतखब हो सकता था? उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इन सियासी जमातों के साथ हो रहा है, इनको अंदाजा नहीं है कि एक आम बंदा जो ये कहता है कि यार ये एस्टेब्लिशमेंट के जो बंदा है उसको ये वोट दे के सेनेट में लेके आ रहे हैं। और आप देखें कि गुज़श्ता दिनों सेनेटर दिलावर साहब जो हैं वो जिस तरीके से उन्होंने वो करारदादे पास करवाई, वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट टोबैको वाले शायद जैसे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हक में करारदादे जो है वो पास हुई, जैसे इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए करारदादे उन लोगों ने पास कराई, ये वही लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट अपने अब पहले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में होता था, अब सेनेट में वो लेके आ रहे हैं, और उसकी वजह से इन सियासी जमातों को डैमेज हो रहा है। मेरे ख्याल में नून लीग का प्रोजेक्ट जो कि पहले से चल रहा था वो बहुत ज्यादा डैमेज उनको हो चुका है, और अब हालात यहाँ तक आ चुके हैं करामत मुगल साहब के पूरे इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने फकत 15 कौमी असम्बली की सीटें जीती हैं, 15 से 17। और पीपल्स पार्टी के बारे में ये बताया जाता है, जो जराए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा 24 सीटें जीती हैं जिसमें सिंध की सीटें भी शामिल हैं। तो आप अंदाजा करें कि सिंध की मिसाल के तौर पर अगर कोई 60-70 सीटें भी हैं सिंध की,
तो 60-70 सीटों में से भी आप देखें कि अगर पीपल्स पार्टी ने वहां से या बलूचिस्तान से भी 3-4 सीटें 5 इन्होंने जीती, तो तकरीबन कोई 18-20 सीटें सिर्फ इन्होंने सिंध से जीती हैं, बाकी सारी सीटें सिंध से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई हैं। तो ये पब्लिक परसेप्शन इनके इतने अगेंस्ट हो चुकी है, इनको अंदाजा नहीं है। अगर ये आज भी थोड़ी सी रिसर्च करवाएं और चीज़ों को जांचने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में इन सियासी जमातों के लिए मुस्तकबिल के हवाले से कोई लाया अमल या कोई चीज़ निकल सकती है, कोई बेहतरी आ सकती है। क्योंकि एक वक्त होता था जब कहा जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी, और अब कहा जाता है कि एक वागडा सब तो डाडा। तो मेरे ख्याल में जहाँ सिनेरियो इतना उसमें वो शिफ्ट आ चुका है, तो अगर ये सियासी जमातें अपने अंदर बेहतरी नहीं लाती, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करती, अपनी मंजी थले डांग नहीं फेरती, तो मुझे तो लग रहा है भाई डांग फेरने ये झाड़ू फेरने चलें ये झाड़ू कर लेते हैं हम, तो अगर ये नहीं फेरती इकरामत मुगल साहब, तो मुझे ये लगता है कि आइंदा 20 से 25 या 30 साल तक इन सियासी जमातों को दोबारा पाँव पर खड़ा होने के लिए इतना टाइम लग जाएगा। फिर बिलावल साहब वही 60-70 की दहाई के दरमियान में होंगे, और फिर हो सकता है तो कुछ हो सकता है। क्योंकि इस वक्त बल्कि 2049 तक जो यह है ना पॉलिटिकल साइंस और इस तरह के जो समाजियात के प्रोफेसर हैं, उनका उनकी ये थ्योरी है कि 2049 तक 2050 तक आपकी सियासत के अंदर नौजवानों का 18 से लेके 35 साल 40 साल के नौजवानों का किरदार सबसे ज्यादा और सबसे अहम होगा। और पाकिस्तान में हो चुका है ये स्टार्ट, और ये मौजूदा इलेक्शन में हम देख रहे हैं हो चुका है। और इस वक्त इन 35 से 40 साल के जो नौजवान हैं, इनमें से 80 से 90% तक के जो तादाद है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये तो सियासी जमातों का वजूद खतरे में, और ये मुझे लगता है कि शायद ये मामला सारे वो जो कहते हैं ना कि वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि पीछे जब आपके पास सिर्फ पीटीआई होगी, इस वक्त सियासत ये हो रही है प्रो इमरान खान और एंटी इमरान खान, और इमरान खान ने फिलहाल इन इलेक्शन में जो है ना वो क्लीन स्वीप दिखा दी है, बिल्कुल कि भाई लोग मेरे साथ हैं, और आगे जाके ये सारी लीड्स उसी तरफ जा रही है कि पाकिस्तान शायद शायद मुस्तकबिल करीब में ही, बहुत दूर तो नहीं, बहुत जल्द सिंगल पार्टी की सियासत की तरफ ही रुख कर, और वो लंबे अरसे तक उनका वो जो राज है ना पीटीआई का इमरान खान का, और पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाए, बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।